हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पे ही कैसे कॉटन और सिल्क की साड़ियों को प्रेस कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं इजीली, वो भी बहुत लिमिटेड स्पेस में। आपको पूरी साड़ी को फैला के प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे कम स्पेस में भी आयरन कर सकते हैं। जैसे कॉटन की साड़ियाँ आजकल मोस्टली लोग पहनना प्रेफर करते हैं गर्मियों में, काफ़ी कम्फर्टेबल होती है, लेकिन ये वॉश के बाद, हर एक वॉश के बाद आप इसे बिना आयरन के नहीं पहन सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्रीजेज रिंकल्स आ जाते हैं। और जहाँ तक रही सिल्क की साड़ियों का सवाल, तो सिल्क की साड़ियाँ मोस्टली हम किसी पार्टी फंक्शन इन्हीं सब में पहनते हैं, और ये हैंड वॉशेबल नहीं होती, आप इसे घर पे नहीं धो सकते हैं। जैसे हमने ड्राई क्लीन कराई साड़ी, या जैसे लोग ड्राई क्लीन करा के कम से कम 2-3 फंक्शन में तो पहन ही लेते हैं, और जैसे एक फंक्शन में हमने वो साड़ी पहनी तो उसके बाद उसमें थोड़े बहुत क्रीजेस रिंकल्स आ ही जाते हैं, तो उसको आप कैसे घर पे आराम से आयरन से हटा सकते हैं, वो भी बिना उसकी जरी या जो भी उसके ऊपर काम हुआ हुआ है उसको बिना नुकसान पहुँचाए हुए। आइए देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिल जाए। आइए देखते हैं। ये एक तांत कॉटन की साड़ी है, इसको हम 3 times फोल्ड कर रहे हैं जिससे कि छोटे उसमें आ जाएं। ये हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद हम सबसे पहले इसके बॉर्डर को सीधा करेंगे, क्योंकि बॉर्डर का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा स्टार्च नहीं है, इसलिए मैं स्प्रेयर या पानी के छींटे ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी साड़ी में ज़्यादा स्टार्च है तो आप चाहे तो स्टीम आयरन यूज़ कर सकते हैं या स्प्रेयर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से ही पानी के छींटे डाल सकते हैं। अब इस साइड हो गया तो हम इसको उलट के दूसरी साइड करते हैं। इस साइड भी हम वही सेम प्रोसेस, पहले बॉर्डर को सीधा करेंगे, उसके बाद बीच में पूरा आयरन करा, क्योंकि अगर आपकी पूरी साड़ी सही से प्रेस है लेकिन बॉर्डर नहीं सीधा है तो फिर वो साड़ी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद इन दोनों साइड हो चुका है तो फिर हम इसे अब उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस साइड हमने प्रेस कर दिया, इस साइड भी वही सेम, पहले बॉर्डर को सीधा करेंगे और इस तरीके से प्रेस करने से काफ़ी कम जगह घेरता है, आपको पूरी साड़ी को एक बार में फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से पूरी साड़ी प्रेस हो जाती है। ये देखिए, फिर हम उसको, ये दोनों साइड प्रेस हो चुका है, अब इसको हम टर्न कर देंगे। इट मीन्स हाफ साड़ी आपकी हो चुकी है, अब हाफ साइड उल्टा कर लिया आपने और फिर से उसको उसी तरीके से, पहले हमने बॉर्डर को किया फिर बीच में पूरी साड़ी को किया। अब दूसरी साइड कर रहे हैं। इसी तरह करके हमारी साड़ी ये पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी तरह आयरन हो चुकी है। अब इसे हमने फोल्ड कर दिया, ये हो गई आपकी कॉटन की साड़ी प्रेस। अब ये है बनारसी सिल्क साड़ी, इसमें काफ़ी सारा जरी का काम हुआ हुआ है, तो इसको प्रेस करने से पहले प्रेस हमें पहले सिल्क पे सेट करना है। और ये देखिए हम कैसे इसे प्रेस करते हैं, इसमें जो अंदर की साइड में साड़ी के उतना ज़्यादा काम नहीं है अंदर, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्टली प्रेस कर रही हूँ सिल्क मोड पे डाल के। लेकिन इसका जो बॉर्डर है, जरी का काफ़ी काम हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं पतला कॉटन का दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ। पहले दुपट्टा डाल के
फिर मैं प्रेस कर रही हूँ जिससे कि जरी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और जब आप पतला कॉटन का दुपट्टा डालते हैं तो आप उसे सिल्क से, जैसे सिल्क के आगे वूल होता है, उस पर कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप प्रेस नहीं डालते हैं तो आपकी जरी को और जो साड़ी का जो भी काम है उसको नुकसान नहीं पहुँचता है। जैसे हमने कॉटन की साड़ी को फोल्ड करके किया था, उसी तरीके से इसको भी फोल्ड कर करके पूरी साड़ी को हम कर लेंगे। अब जैसे हमने उधर कर लिया तो अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये देखिए, ये इसका पल्ला है, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर काम है, जरी वर्क है पूरा, तो इसलिए हम इसमें इस पर कॉटन का दुपट्टा डाल के फिर हम कर रहे हैं जिससे इसकी जरी को या इसका जो भी काम है उसको नुकसान ना पहुँचे। और ये काफ़ी सेफ तरीका है, इससे आप बिना चिंता किए कि आपका काम ख़राब हो जाएगा, साड़ी का या जरी का वर्क ख़राब हो जाएगा, वो बिना चिंता किए बिना आप आराम से प्रेस कर सकते हैं घर पे इजीली। हमारी सिल्क की पूरी साड़ी प्रेस हो चुकी है, अब इसे आप अच्छी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी साड़ियाँ, जो कॉटन की साड़ियाँ हैं जिन्हें आप डेली पहनना प्रेफर करते हैं, उन्हें आप इजीली घर में प्रेस कर सकते हैं। और आपकी सिल्क की साड़ियाँ भी, जो आप एक बार ड्राई क्लीन कराने के बाद 2-3 फंक्शन या जितने फंक्शन आप चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।